मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित। और हम निकल रहे हैं, आज है संडे फर्स्ट, और हम निकल रहे हैं एक जगह पे। मुझे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लेना था और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे घर से निकलने के बाद रास्ते में कैसे बाजार बैठा है। चलिए ये देखिए कितना भीड़, देखिए चारों तरफ कोई मास्क लगाया है, कोई मास्क नहीं लगाया है। देखिए हमारा घर से निकलते ही पूरा भीड़ रहता है, कम से कम भी 1 किलोमीटर पूरा ऐसा ही भीड़। अब देखते जाओ, मैं दिखाते जाती हूँ। वेडनेसडे को और संडे को यहाँ पे बाजार बैठता है और सब कुछ मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ से सब मार्केटिंग करते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह सब मिलता है। ये देखिए हम मार्केट से होते हुए उसको मतलब क्रॉस कर चुके हैं, आगे आ गए हैं। और मैं जा रही हूँ आज कुछ फ्लावर्स लेने, वो तो बता रही थी आपको, बाद में दिखाऊंगी भी। चलिए पहले वो शॉप, मैं कौन से शॉप से ला रही हूँ पहले मैं दिखा देती हूँ। आप ऐसे ये रोड में जाके ये जो छक है, आप अगर टर्न करोगे यहाँ से, देखिए हम लोग टर्न कर रहे हैं। टर्न करने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे ना पुराना वाला बस स्टैंड था, गवर्नमेंट बस स्टैंड बोलते हैं इसे, वही सामने देखिए फ्लावर सब रखा हुआ, यहीं पे ही रुकेंगे। विंटर स्टार्ट हो गया है, फ्लावर्स बहुत सारा आया है आपका, तो वही मैं गई थी, मुझे जो जो चाहिए मैं लेके आई। मुझे एक्चुअली गेंदे का चाहिए था, वो लेके आई हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको। और वही मैं देख रही थी, देखिए प्लांटर्स कुछ मैं देख रही थी वहाँ पर, और सामने इसके सामने और एक भी शॉप है, उससे भी ऑर्डर दे के आई हूँ जो नेक्स्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। और देखिए मुझे ना ऐसे फ्लावर्स और ये सब देखने में ना बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये मैं आ गई हूँ घर लेके, और छोटू मैं और ये छोटू की बहन है, कज़न सिस्टर है, वो भी आई थी, आई है मतलब यहाँ पे पढ़ती है, उनके घर में ही रहती है, आज संडे है तो वो भी घर आई है। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम थोड़ा सा जो गए थे प्लांट्स लेके आला, और कुछ प्लांट्स ऑर्डर दे के आई हूँ। देखिए ये वाला प्लांट्स लाई हूँ, और वो चाटो प्लांटर लाई हूँ जो दिख रहा है ना स्काई और वाइट में, रीत ला तो वाला दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट ना, मेरा रीत बेटा ला रहा है वो वाला जो, हाँ लाओ दोनों एक एक देना, हाँ मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स लोगों को, दे दो ये वाला, देखिए वाइट कलर में है, देखिए छाव में, और बहुत सुंदर दिख रहा है ये प्लांटर। इसका प्राइस लिखा था 250 लिया उसने, देखिए अच्छा लग रहा है ना वाइट कलर का, ये इंडोर प्लांट्स के लिए लाई हूँ मैं, होगा तो दिखाएंगे, ये छाव में रखेंगे, और ये स्काई कलर का ले पकड़। ये चार ठो प्लांटर मैं लाई हूँ, और उसके अलावा जो ये फ्लावर्स मैं लाई हूँ आप देखिए, तो जो फ्लावर्स लाई हूँ ना वो गेंदे का, वो सबको मैं डालूंगी इस डब्बे में। ये है क्या, देखिए राइस बीन ऑयल जो हम घर में यूज़ करते हैं, पतंजलि का है। इस डब्बे को मैं कट करूँगी, देखिए कैसे मार्क की हूँ, एक मिनट देखिए, ये है पतंजलि का डब्बा, ठीक है राइस ब्रेन ऑयल, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो हमारे घर में ये 5-5 का लीटर वाला 2 डब्बा आता है मंथ में, तो इसको मैं रखे रहती हूँ। देखिए कितना सारा है, छोटू मैं और सब मिलके ये अभी कर रहे हैं, इसको साफ़ करेंगे। देखिए वो साफ़ कर रही है टब में, छोटू इसको काट रहा है, मैं भी काट रही थी। और इसको देखिए यहाँ से पहले डब्बे को ना ऐसे मार्क कर देते हैं,
यहाँ से इसको कट करके और यहाँ से ऐसे मार्क कर देती हूँ और उसके बाद इसको कट करते हैं। ये वाला भी आज खरीद के लाए हैं, देखिए कटर, और या फिर इससे आप कोई किसी से भी काट सकते हो। छोटू इससे काट रहा है, उसको इजी हो रहा है, मैं इससे काट रही हूँ। छोटू ये डब्बा को काटने के बाद मैं जो काट चुका है वो दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको फिर साफ करेंगे, ये हैंडल टाइप का लाने के लिए इजी होता है और सुंदर भी दिखता है। देखिए इस तेल को पहले साफ करेंगे, उसके बाद नीचे होल करेंगे और फिर इसको प्लांटर बनाएंगे। इसको मैं प्लांटर बनाऊंगी, एक मिनट। ये प्लांटर सब जो बना है ना ऐसे ही डब्बे से बना है, मैं इसमें ये वाला डाली हूँ और ये भी बड़ा वाला तेल जो शादी वादी के टाइम पे बड़ा बड़ा आता है, और ये छोटा छोटा देखिए हर्बल लाइफ का डब्बा जो रहता है उसमें भी ये सब प्लांट्स डाल दी थी। और ये है रीत, हाय, कल भी आया था, अभी मॉर्निंग में उठ के आके मुझे बोल रहा है आप मुझे क्यों नहीं बुलाए, सुबह से सो रहा था, 10 बजे उठा है और आप मुझे क्यों नहीं बुलाए, देखिए कैसे खेल रहा है। रीत रात को कितना बजे सोए, लेट में सोया, देखिए उसका गाल, देखिए उसका नाक, ब्रश भी नहीं किया अभी तक, ब्रश कर लिया है, ब्रश कर लिया ऊपर आके। तो चलिए फिर अभी और थोड़ा कटिंग करते हैं और उसके बाद प्लांटेशन में परसों करूंगी, आज तो नहीं होगा और कल परसों करूंगी। बाकी सब और भी थोड़ा सा प्लांट्स मैं और दी हूँ, वो ले आएंगे, ठीक है। अंधेरा दिख रहा है, ये देखिए हम मिल बैठ के काम कर रहे हैं, ग्रीन नेट के नीचे थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है। अभी बच चुका है कितना टाइम, कितने बज रहे हैं ना, देख तो 12:30, 1 बजने वाला है अभी, और 15 मिनट बाकी है, 10-15 मिनट। देरी से आए, लेट में आए, तो अभी कर रहे हैं, तो फिर आपसे बाद में बात करते हैं। तो देखिए ये सब कटिंग तो बहुत टाइम तक चला, क्योंकि ऊपर आज भी मैं देरी से आई थी। और आज मैं कुछ दो चीज़ें दिखाऊंगी गार्डन का जो मैं यूज़ करती हूँ, तो देखते हैं। और ये है छोटू, और ये है एक बड़ा सा डब्बा ब्लू कलर का, आप लोग तो मतलब बहुत जान को पता होगा। तो ये हमारे घर में पहले से ही था, ये वाला ना ऐसे कवर था, तो मेरे को ना नहीं अच्छा लग रहा था कि इसमें से पानी निकालो, तो मैं इसको पानी स्टॉक करने के लिए ऊपर लाई थी, और ये नीचे था हमारे स्टोर रूम में था, तो जिस दिन साफ किए तो ये ले आए ऊपर। छोटू उसको काट रहा है और ये शूट कर रहे हैं मिस्टर पुरोहित, इस टाइम पे मैं नीचे चली गई थी तो इसीलिए वो शूट कर रहे थे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी बहुत अच्छा चीज़, देखिए मैं जो खाद मतलब लिक्विड खाद जो बोलते हैं ना फर्टिलाइज़र जो यूज़ करती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। देखिए ये आधे बाल्टे पानी में मैंने करीब 200 ग्राम्स का ये सरसों पीड़िया उसमें डाल दिया सड़ाने के लिए, मतलब जो पिघल जाएगा पूरा, हमें इसको रखना है कुछ दिन, मैं बताऊंगी। और ये है मेरे पास, देखिए क्या ये यूरिया, यूरिया एक मुट्ठी बस, थोड़ा सा एक मुट्ठी मतलब 2 स्पून जैसे करीब उसमें डाल देंगे, क्योंकि सरसों पीड़िया ना बहुत स्मेल होता है जब उसे हम सड़ाते हैं। इसको मैं 5-6 दिन रख दूँगी, उसके बाद जब पानी दूँगी मैं दिखाऊँगी आपको कैसे क्या मिक्स करके देते हैं। और ये देखिए ये एक पेस्टिसाइड है, इसका नाम देखिए लिखा हुआ है, मेरी ये वाला ना 2 ग्राम पाउच है, इसका बॉटल भी आता है, ये मैं लाई हूँ पेस्टिसाइड की तरह यूज़ करने के लिए। एक्चुअल में मैं ना खाली यही नीम ऑयल और हैंड लिक्विड मिक्स करके पानी में देती हूँ, लेकिन उस दिन शॉप गई थी तो वो भैया बोले कि इसको ले जाइए। तो फ्रेंड्स जैसे मैं नीम ऑयल बनाती हूँ ना, नीम ऑयल और आपका हैंड लिक्विड डाल के उसी में ही एक पाउच डाल दी, खाली मेरे को पानी का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाना पड़ा, करीब 8 लीटर से 10 लीटर तक। देखिए मैं सबको ज़्यादा मिक्स की, और क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे आज मैंने सारे प्लांट्स में स्प्रे की हूँ, इसीलिए इसको अच्छे से मतलब मिक्स करेंगे, देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसको स्प्रे बॉटल में लेके चारों ओर प्लांट्स में स्प्रे करेंगे। तो ये जो स्प्रे करने का टाइम है, आप विंटर में कभी भी मतलब नाइट में स्प्रे मत कीजिएगा, रात में स्प्रे करने से क्या होगा, ये वाला ना रात में आपका अभी तो पानी गिरता है ना थोड़ा थोड़ा उस टाइप का, तो वो ना ख़राब हो जाएगा, पेड़ में काम नहीं देगा ये मेडिसिन। तो ये करीब आइदर आप मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे मारिए
प्लांट्स में, या फिर इवनिंग 4 बजे, क्योंकि 4 बजे से 6 बजे तक आपका जो रहता है ना, थोड़ा सा ड्राई रहता है उस टाइम पे, उस टाइम पे ये काम देगा। रात में 2 घंटा करीब प्लांट्स में रह जाएगा तो सफिशेंट है। और ये मैं अपने सारे रोज़ प्लांट में फर्स्ट स्प्रे करूँगी। ये थोड़ा निकाल दे रही थी, उसमें जाला हो गया था और सूख गया था एक डंडा टाइप साइड में उसका पेड़, तो उसको तोड़ दी मैं। और देखिए सारे प्लांट्स में, रोज़ प्लांट्स में ये वाला स्प्रे मैं कर रही हूँ अच्छे से, सारे लिप्स और उसका जो मेन रहता है ना ब्रांचेस है उसमें अच्छे से स्प्रे करना चाहिए। देखिए मेरा ये बोतल भी टूट गया, अच्छे से स्प्रे नहीं हो रहा है, और एक लाना पड़ेगा, 5 बोतल तो जा चुका है ऐसा वाला, क्या करें, नहीं करने से भी नहीं होगा। ये वाला 5th नंबर बोतल है, देखिए सारे प्लांट्स में मैं डाल दे रही हूँ और ये बेस्ट है। हाँ, इसको यूज़ करने से क्या होगा वो मैं बता दे रही हूँ। देखिए आपके प्लांट्स में छोटा छोटा कीड़ा लगता है ना, ब्लैक ब्लैक का, वाइट वाइट वाला जो, ठीक है ना, मिली बॉक्स टाइप का, या फिर आपका जो पेड़ खा देते हैं बड़ा बड़ा कीड़ा, लंबा लंबा वाला आके नीचे से साइड से पत्ता खा देते हैं, फ्लावर्स खा देते हैं, वो सबके लिए ये बेस्ट है। वो भैया बोले तो मैं भी लाई और मैं यूट्यूब में सर्च भी की, आप लोग भी देख सकते हो। ये नाम, ये जो मैं तो दिखा दी हूँ इसका नेम, उसको सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा क्या करके कैसे करके यूज़ करना है। क्योंकि मैं ला के तुरंत तो नहीं डाली थी, बहुत दिन से ला चुकी हूँ, एक बार डाल चुकी हूँ मैं, तो उस टाइम पे मैं देखी थी यूट्यूब में कि इसको कैसे यूज़ करूँ क्या करूँ, उस हिसाब से मैं स्प्रे कर रही हूँ। और ये सब मेरे गुड़हल के, आप जो मंदार फूल बोलते हैं ना, हिबिस्कस, उसमें डाल रही हूँ। हमारे घर में ना पेड़ तो, मतलब प्लांट्स तो बहुत हैं, पेड़ बहुत सारा है। हमारे घर में मेन प्रॉब्लम है पानी का, और हमारे घर में तो कोई बोरवेल है नहीं कि मैं पानी डालूं, बहुत कॉन्शियसली हमें पानी देना पड़ता है। PhD पानी खाली आता है ये एरिया में, तो उसी को ही स्टॉक करके रख के मुझे प्लांट्स सब में देना पड़ता है। आप लोग तो देख रहे हो कितना सारा प्लांट्स है, रेगुलरली पानी देने से ना कभी कभी टंकी का पानी भी मतलब बहुत ये लगता है इसीलिए। और ये देखिए ये छोटू ये स्प्रे कर दे रहा है और मैं शूट कर रही थी। और ये टाइम हो चुका है 4, हमने खाना को, किसी ने भी आज खाना नहीं खाया था, आज संडे है ना तो देरी से खाना खाते हैं। मैं बोली नहीं, काम ख़त्म करके जाते हैं और खाते हैं, और वो भी मेरे साथ किया। उसके बाद हम नीचे चले गए और ये देखिए कुछ जल रहा है, देखिए आग। और ये इवनिंग हो चुका था, हम सब इवनिंग नहीं नाइट हो चुका था, करीब रात के 10 बज चुका था। तो हम लोग ना नीचे बैठ के बातें कर रहे थे, तो मेरा भतीजा बोला कि वहाँ पे आग जल रहा है, उसके बालकनी से दिखा तो जल रहा है बोल के। और तो हम लोग ना ऊपर आ गए, देखिए ये वाला घर मॉर्निंग में भी दिखता है। ये वीडियो के बाद मैं आपको दिखा दूँगी, आज देखिएगा मॉर्निंग में किस जगह पर जला था ये वाला। तो देखिए जल रहा था, तो जो दिखा ना तो तुरंत हमने फ़ोन किया, वो पास में जो रहते हैं उनसे बात की, हमारी हेडमिस्ट्रेस का घर भी वहाँ पे ही है, तो उनसे बात की तो बोले कि नहीं साइट में एक कबाड़ी वाला रहता था ना, उसका सब जल गया है, उनके घर को कुछ नहीं हुआ, तो रिलैक्स लगा सुन के। और इसके बाद देखिए ये मेरे हस्बैंड मतलब देवर भतीजा सब कोई गए थे वहाँ पे देखने के लिए, और ये फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था तो वो लोग बोले कि हाँ गाड़ी जा चुका है, तो ये तुरंत आए देखने के लिए। देखिए पूरा जल गया है, ये एक ना पुराना घर था वहीं पर, ये लोग का वही कबाड़ी वाला था, बहुत सारा कार्टून्स बॉटल्स बहुत सारा था, बहुत साउंड आ रहा था फटने का, तो नहीं होगा क्या, प्लास्टिक बॉटल सब जल रहा था, तो इतना सारा भीड़ हो गए। देखिए बहुत कॉन्शियसली रहना चाहिए आजकल, सच्ची में क्या कब कैसे हो जाए कुछ नहीं पता। हम लोग तो बहुत डर गए, इतना ज़ोर से आग, देखिए ना आप लोग कितना ज़ोर ज़ोर से आग जल रहा था, सामान सब जल गया पर किसी को कुछ नहीं हुआ, वो बहुत बड़ी बात है, मतलब जान मान का कुछ नहीं हुआ। तो वही उसके बाद आग वाग सब मतलब बुझा के ये लोग चले गए, और ये करीब रात के 10:30-11 बज चुका था। आइए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, आपको देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ वो जगह कौन सा था जो जल रहा था। देखिए ये वाला छत है ना हमारा, आप यहाँ से जो देखोगे है ना, ये वाला देखिए, ये वाले हिस्से में कल आग लगा था। आप अगर वाला वीडियो देखोगे ना आपको पता चल जाएगा, उसके पीछे मतलब ये घर के पीछे तरफ आग जल रहा था, जो कि लपटे उठ रही थी, यहाँ से ऊपर उठ रही थी, वही वाले को हम दिखा रहे थे। मैं ऊपर हूँ इसलिए बहुत साउंड आ रहा है, प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स बाय।